एक्सलेंसी, जैसा आपने कल कहा था, हमारे लोकतांत्रिक मूल्य हमारे संबंधों का मूल आधार है। हमारे संबंध आपसी विश्वास और सम्मान पर आधारित है। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय हमारे दोनों देशों के बीच एक लिविंग ब्रिज है। कल शाम मैंने और प्रधानमंत्री अल्बनीजी ने हैरिस पार्क के लिटिल इंडिया का अनावरण किया। प्रधानमंत्री अल्बनीजी की पॉपुलैरिटी को भी मैंने वहां महसूस किया। फ्रेंड्स, आज प्रधानमंत्री अल्बनीजी से वार्ता में हमने अगले दशक में अपनी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर बात की। नए क्षेत्रों में आपसी सहयोग की संभावनाओं पर विस्तार में चर्चा की। पिछले साल भारत ऑस्ट्रेलिया एकता लागू हुआ। आज हमने सीका कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर फोकस करने का निर्णय किया। इससे हमारे व्यापार और आर्थिक सहयोग को और मजबूती तथा नए आयाम मिलेंगे। माइनिंग और क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में अपने स्ट्रेटेजिक सहयोग को आगे बढ़ाने पर सकारात्मक चर्चा हुई। रिन्यूएबल ऊर्जा में सहयोग के लिए हमने ठोस एरिया की पहचान की। ग्रीन हाइड्रोजन पर एक टास्क फोर्स के गठन का निर्णय लिया। कल ऑस्ट्रेलियाई सीईओ से विभिन्न एरियाज में निवेश को लेकर मेरी उपयोगी बात हुई और आज मैं बिजनेस राउंड टेबल में ट्रेड, इन्वेस्टमेंट तथा टेक्नोलॉजी सहयोग पर बात करूंगा। आज माइग्रेशन और मोबिलिटी एग्रीमेंट पर साइन हुआ। यह हमारे लिविंग ब्रिज को और मजबूती देगा। जैसे कि मैंने कल घोषणा की थी, लगातार बढ़ते संबंधों की गहनता के लिए हम जल्दी ही ब्रिस्बेन में नया भारतीय कॉन्सुलेट खोलेंगे और जैसे आपने भी बेंगलुरु की घोषणा की है। फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर होने वाले हमलों और अलगाववादी तत्वों की गतिविधियों के संबंध में हमने पहले भी बात की थी और आज भी हमने बात की है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के सौहार्दपूर्ण रिश्तों को कोई भी तत्व अपने विचारों या अपने एक्शन से आघात पहुंचाए, ये हमें स्वीकार्य नहीं है। प्रधानमंत्री अल्बनीजी ने इस संदर्भ में जो कदम उठाए हैं, मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। साथ ही उन्होंने मुझे एक बार फिर आश्वस्त किया है कि वो ऐसे तत्वों के विरुद्ध सख्त एक्शन लेते रहेंगे।